प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए देश विदेश में कई तरह की मुहिमें चल रही हैं, लेकिन फिर भी इसका असर कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि प्लास्टिक से जुड़ी चीजें अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसी ही एक चीज है पेन, जिसका इस्तेमाल हम रोज करते हैं, और हम सभी लोगों को पता है कि पेन का ज्यादातर हिस्सा प्लास्टिक से ही बना होता है। लेकिन इस पेन से जुड़ी प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली के सौरभ मेहता ने अपनी पत्नी शिवानी मेहता के साथ मिलकर एक इस तरह का पेन तैयार किया है जो कि पूरा कागज से बना हुआ है, और यहाँ तक कि इसकी रिफिल भी इन्होंने खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कागज से ही बनाई है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आपको सीधा मिलवाते हैं सौरभ से और जानते हैं उनसे इस कागज वाले पेन की पूरी कहानी। हाँ सौरभ, पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लोकलिटी नेटवर्क 18 और न्यूज 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आप यहाँ पर आए हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे काम के बारे में समझने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए। सौरभ, मैं जल्दी से जानना चाहता हूँ कि ये पहली बार आइडिया कब आया था कि पेन से बिल्कुल प्लास्टिक हटा देना है और पेपर फॉर्म में पेन को ले आना है, उसकी रिफिल भी इवन की पेपर में ले आनी है। तो कभी भी हम लोग पेन को उठा के देखेंगे तो हमको ये समझ में आया कि बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं, छोटे बड़े, मेटल के, प्लास्टिक के, रबर के, और जो काम करने वाली चीज़ है वो केवल टिप है और इंक है। बाकी सारे पार्ट्स इन सबको सिर्फ इंक और टिप को होल्ड करने के लिए रखे गए हैं, और ये सारा, इतने सारे पार्ट्स मिलके पेन को रिसाइकल कर पाना, पेन के पार्ट्स को, वो इम्पॉसिबल बना देता है। तो दैट इज़ वाई हमको लगा कि ये सबको हटा के अगर केवल हम लोग रद्दी का इस्तेमाल करें, केवल कागज़, वेस्ट कागज़ को इस्तेमाल करके उस पेन को फिर से बनाया जाए, तो जो फंक्शनल पार्ट है यानी कि टिप और इंक वो सेम है, बाकी सब कुछ अगर हम सस्टेनेबल मटेरियल, इसमें बांस हो जाए, इसमें कागज़ हो जाए, इसको इस्तेमाल करके बना पाए, जिससे इस्तेमाल करने के बाद, पेन को यूज़ करने के बाद इसको फेंक भी दिया जाए तो ये गल के मिट्टी में वापस मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को लगेगा कि पेन ही क्यों, थोड़ा सा प्लास्टिक ही तो होता है। मैं चाहता हूँ क्योंकि आपने इस पर इतना सारा काम किया है प्लास्टिक पे, सो कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्लास्टिक एक अपने आप में प्रॉब्लम तो है, मगर पेन का जो प्लास्टिक है वो कितनी बड़ी चुनौती है, थोड़ा सा उसके बारे में। तो पेन इतना डिस्कशन में नहीं आता जब भी हम प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसके दो अहम कारण है। पहला ये है कि बहुत ही मुश्किल था कि पेन, क्योंकि जो 70 साल से पेन बन रहा है वो प्लास्टिक से ही बन रहा है, बॉल पेन जो बन रहे, तो उसका अल्टरनेट ला पाना, और जो अल्टरनेट आए उसमें थोड़ा थोड़ा हमने रिसाइकल पेपर का इस्तेमाल किया, पर अधिकतर पार्ट्स फिर भी प्लास्टिक के ही रह गए। तो एक तरह से ऐसा माना गया कि दिस इज़ द बेस्ट वी कैन हैव, तो इसके बियॉन्ड शायद हम लोग नहीं जा सकते, जो हमने कोशिश करी प्रूव करने की कि एक्चुअली सारा प्लास्टिक जो पेन में है पूरा का पूरा अवॉइडेबल है, हम जीरो प्लास्टिक से भी पेन को बनाया जा सकता है। और दूसरा है कि ये जो नंबर्स है इसके हमको रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि कम लोग पेन को आजकल खरीद रहे हैं और यूज़ कम कर रहे हैं, पर फिर भी खरीद जो है इसकी फिर भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो 5,000 करोड़ बॉल पेन हर साल फेंके जाते हैं, और ये इनका अंत केवल या तो लैंडफिल में होगा या फिर ये ओशन में जाएंगे, क्योंकि इनको कोई भी रिसाइकिल नहीं करता। बहुत सारे और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जो है उनको फिर भी रिसाइकिल करा जा सकता है, क्योंकि वो सिंगल यूज़ सिंगल मटेरियल से बनते हैं। और पेन को दूसरा है, एक और बात यह है कि पेन को सिंगल यूज़ प्लास्टिक की कैटेगरी में अभी फ़िलहाल नहीं डाला गया है, क्योंकि हम इसको कई बार इस्तेमाल करते हैं, पर देखा जाए अगर हम लोग मिनटों में या घंटों में गिने तो 2 से 2.5 घंटा एक पेन इस्तेमाल होता है और उसके बाद वो फॉरएवर धरती पे पड़ा रहता है। सो अभी इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो पहला पेन पहली बार बना होगा वो अभी भी बिल्कुल तो करीब 80 साल पहले पहला बॉल पेन बना जो प्लास्टिक का था, और उस समय वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, क्योंकि फाउंटेन पेन से लिखना सबके लिए संभव नहीं था, सबके लिए आसान नहीं था, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको ले जा पाना इधर उधर, उस साथ में आपको इंक कैरी करना पड़ेगा, उसमें लीकेज का इशू होता था, वो सारी चीज़ें एक बॉल पेन ने रिजॉल्व करी। पर तब प्लास्टिक का बनना और आज भी प्लास्टिक इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद हम केवल प्लास्टिक से उस बॉल पेन को बना रहे हैं, तो ये एक चीज़ थी जिसको बदलना बहुत ज़रूरी था। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताओ, क्योंकि कंपनी की जब हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे तो दो नाम आ रहे थे, एक तो नोट आ रहा था और एक बायोडिग्रेडेबल कुछ आ रहा था, तो क्या है असल में कंपनी का नाम और किस तरह से काम कर रही है? तो करीब 5 साल पहले हमने बायोक्यू की शुरुआत करी, और इस कंपनी में हम लोग इको फ्रेंडली स्टेशनरी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे थे, इसमें पेन, पेंसिल, नोटपैड इत्यादि ये सारी चीज़ें बनाते थे, और हम इसमें प्लास्टिक और वुड का यूजेज को एलिमिनेट कर रहे थे। जैसे पेंसिल से भी हमने पूरी तरह लकड़ी को हटा के हमने अखबार का इस्तेमाल किया। जब प्लास्टिक की बारी आई तो हमने बॉडी और कैप तक का तो रिप्लेसमेंट कर दिया गत्ते से, पर रिफिल तक में हम लोग अटक गए। अब ये चीज़ें चलती गई और हमने साथ साथ प्लास्टिक रिफिल का रिप्लेसमेंट की ओर हम लोग काम करते गए,
और करीब 3 साल से हम उसमें लगे और हमको इसी साल उसमें सफलता मिली, जहाँ पे हमारी शेल्फ लाइफ एक पेपर रिफिल की हमको 18 महीने तक का हम लोग शेल्फ लाइफ खींच पाए। तो इसके साथ हम लोग रेडी हो गए कि अब हम लोग इस चीज़ को मार्केट में ले जा सकते हैं। तो जून में अब हम लोग नोट पेन को लॉन्च करेंगे और इसलिए इसको हमने अलग नाम दिया क्योंकि ये पेन सबसे अलग है, जो हम लोग पहले काम कर रहे थे उससे भी अलग है। तो इसलिए एक नया ब्रांड के रूप में इसको हम लोग अब लॉन्च करें। क्या प्राइस होगा इसका? तो प्राइस हमारा अभी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं 25 से 30 रुपये में हम लोग लॉन्च कर पाएंगे इसको, और थोड़ा फिर प्रीमियम रेंज भी रहेगा जो 200-300-500 रुपये तक भी जाएंगे, क्योंकि कई पेन मार्केट में अभी 5 से 10 रुपये की कैटेगरी में रहते हैं और यहाँ पे हमको पहुँचने में काफ़ी समय लगेगा। ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, क्योंकि उसमें जो थोड़ा हमको और डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिस क्वांटिटीज़ में काम करना पड़ेगा, अगर वो हम लोग कर पाते हैं तो कुछ ही सालों में हम लोग एक्चुअली उस दाम पे हमारे वाले पेन को भी ले पाएंगे जहाँ जो मासेज में इस समय मौजूद है, जो मैक्सिमम कंजम्पशन जिसका हो रहा है, मैक्सिमम पॉल्यूशन भी जिन पेन के कारण से हो रहा है। पेन की रिफिल बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल कार्य होगा आपके लिए, आप जैसा बता भी रहे। पेन की इंक होल्ड करना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है, इंक होल्ड करना उससे ज़्यादा मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि हम भी जब पेन यूज़ करते हैं, जेल पेन या बॉल पेन, तो गर्मियों में खास कर उसकी इंक निकल जाती है। तो इस पर कैसे आपने वर्क किया? तो दो चुनौती थी हमारे लिए। सबसे पहले कि उस प्रिसिशन के साथ एक रिफिल में कितना इंटरनल डायमीटर होना चाहिए, कितना कैपेसिटी होना चाहिए कि टिप को होल्ड कर पाए बिना टूटे, तो ये सारी चीज़ें क्रैक करने के बाद सेकंड जो डिफिकल्टी आई कि इंक हमारी पेपर के अंदर परमिएट नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए हमको बैरियर कोटिंग डालनी पड़ी एक ऑयल की, वेजिटेबल ऑयल, और इस कारण से हमारी इंक कम से कम पेपर तक, पेपर रिफिल का जो अपना ट्यूब है वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। अब बात आई बाकी अलग अलग किस्म की लीकेज की, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में होता है, बी एट कोल्ड वेदर, गर्मी हो या मॉइस्चर हो, तो यही सारे हमारे एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट में हमारे ये सारी चीज़ें हमारे सक्सेस यहाँ पे हमको मिली, जहाँ पे पता चला कि ये 18 महीने तक चाहे जो टेम्परेचर चाहे जो कंडीशंस हो, हमारी रिफिल में लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आया। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी आपको जो है वो सहयोग मिल रहा है इसमें, क्योंकि आपका कुछ टाई अप उनके साथ भी है, तो उसके बारे में कुछ बताएं? तो हम लोग स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है और वहाँ से हमको एक सीड फंड भी मिला है इसका रिसर्च को कैरी ऑन करने के लिए। कितना है? हमको टोटल 16 लाख रुपये का ग्रांट सैंक्शन हुआ है, जिनमें से अभी एक पेंच आ गया, दूसरा अगले महीने तक आ जाएगा। हमें पता लगा कि ये कंपनी आपने जो है अपनी वाइफ के साथ शुरू की थी, सो इस तरह से ये पूरा आइडिया आया था आपको, उनका नाम क्या है? तो शिवानी और मैंने साथ में बायोक्यू का शुरुआत करी और इस आइडिया पे भी हम लोग कंटिन्यूअली साथ में काम करते गए, और वो भी वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, मैं इंजीनियर हूँ। कहाँ से किया आपने इंजीनियरिंग? मैंने इंजीनियरिंग दिल्ली में भारतीय विद्यापीठ कॉलेज से किया, उन्होंने अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन NID अहमदाबाद से किया। ओके, सो क्या टारगेट्स हैं अभी, फ्यूचर टारगेट्स क्या हैं आपके? तो इमिजिएटली हमारा यही है कि कैसे इसको एटलीस्ट आने वाले 2 साल में हम लोग करीब 1 करोड़ यूनिट्स तक बेच पाए, और उसके बाद वहाँ से हम लोग कैसे हर साल 10x करते जाए, और इसमें सिर्फ हमारा योगदान काफ़ी नहीं होगा, वील बी लाइक रिक्वायर्ड टू कोलैबोरेट विद बिगर प्लेयर्स, क्योंकि बड़े कंपनीज, बड़े प्रोडक्शन फैसिलिटीज जिनके पास है, जो बॉल पेन बना रहे हैं, जिनके पास बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी है, वो अगर हमारे साथ इस सोल्यूशन में इस इधर कोलैबोरेट करते हैं तो ये प्रॉब्लम को हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो उन लोगों को समझ पाना कि अभी जो प्लास्टिक पेन्स बन रहे, जो बाकी लोग बना रहे हैं, उनको समझ पाना कि जब तक ये चल रहा है चलता रहेगा, बट एक समय आएगा जब वील हैव टू पुट एन एंड टू दिस, एंड वी आर विलिंग टू कोलैबोरेट। हम चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर और बेहतर पेन बना पाए जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, और उनका साथ मिलने पे इसका पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छे नंबर्स हम लोग अचीव कर पाए। और कौन से ईयर में आपने ये कंपनी शुरू कर दी थी ऑफिशियली? 2021 में हमने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड की तरह रजिस्टर किया, उससे 2 साल पहले से हम लोग प्रोप्राइटरशिप की तौर पर काम कर रहे थे। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।